हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो। दिस इज वॉक्सवैगन पोलो। पोलो एक ऐसी गाड़ी है, आपको लाख डेढ़ लाख में गाड़ी मिल जाता है। ये जो गाड़ी मैंने आज लगाई है 2010 से 11 मॉडल है, ये आराम से लाख सवा लाख में गाड़ी मिल जाता है। और इसके अंदर आप सीएनजी किट लगाओ, क्या एसी है, और इन गाड़ी की एवरेज भी बहुत अच्छी है, 18 की देती है लोकल के अंदर और हाईवे पे 25 के ऊपर। मतलब अगर कोई बंदा बजट की गाड़ी देख रहा है तो लाख सवा लाख में वॉक्सवैगन पोलो लो। 2010 से 12 मॉडल का आपको गाड़ी मिल जाएगा और उसके अंदर सीएनजी किट लगाओ, भाई साहब इस जैसी गाड़ी नहीं है। गाड़ी के पिकअप धांसू है और एसी इतना बढ़िया काम करता है इन गाड़ियों के अंदर, मजेदार। अब इसके अंदर आज मैंने किट लगाई है, ये गाड़ी मेरे पास आज ये आया है। एंड सी द वर्कमैनशिप, जो क्वालिटी है जो हम गाड़ी के अंदर जो हम करके देते हैं और हमेशा करते आ रहे हैं। देखो ये रिड्यूसर है, यहाँ जो भी गैस है आपका यहाँ प्रेशर में आता है, ये रिड्यूस होके जितनी जरूरत है उसी हिसाब से जाता है। ये इसका फिलिंग वाल्व है, यहाँ से जो गैस फिल होती है सिलेंडर पे जाता है। और ये इसका इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। और ये इसका ब्रेन है ECM। देखो ये चार चीज किट में आता है और जो हम फिटिंग करते हैं जो हमारी फिटिंग को और बेटर करता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ले लो या अपना परफॉर्मेंस और इन्हांस करने के लिए। देखो इसके अंदर मैं एक तो सारा तीन इंजेक्टर गाड़ी है, ये सारा कपलर टू कपलर वायरिंग किया हूं मैं, ये चौथा मैंने खाली छोड़ दिया है। अगर ये चार सिलेंडर होता तो ये भी लगता। ये देखो ये गाड़ी का है, ये हमारा है और ये जो है हमारा है, ऐसे ही तीनों सिलेंडर में है। इसके अंदर लवेटो की किट से निकाल के मैंने गैस का फिल्टर लगाया। किट तो मोटोजैन की है लेकिन मोटोजैन में फिल्टर नहीं आता, ये फिल्टर इसलिए लगाया ताकि जो भी गैस है फिल्टर होके जाएगी, इंजन का लाइफ बढ़ेगा। नंबर थ्री इसके अंदर ये देखो, मैं इसके अंदर साफ साफ दिखा पा रहा हूँ अपनी क्वालिटी। ये कूलेंट कनेक्शन किया हूं मैं, एक पाइप यहां से आ रहा और दूसरा पाइप जो है ये यहां से आपका दूसरा पाइप जा रहा है यहां पे। कूलेंट कनेक्शन किया मैंने ताकि कभी भी देखो हाई प्रेशर में जब भी गैस आता है तो यहां गैस फ्रीज हो जाती है, तो वो फ्रीज कभी नहीं होगी। चौथा काम इसके अंदर जो है मैंने एडवांसर लगाया, ये सब डब्बे में नहीं आता, एडवांसर इसलिए लगाया ताकि गाड़ी चला के कोई भी मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आप पेट्रोल पे चला रहे हो या सीएनजी पे। और पांचवा काम इसके अंदर देखो, ईसीएम से जो भी वायरिंग आ रहा है ये नॉर्मल टेपिंग नहीं है, स्पाइरल ट्यूब के अंदर दे रखा हूं मैं। देखो नॉर्मल टेपिंग करूंगा अपने तार पे तो वो 6 महीने का लाइफ होता है, 6 महीने बाद डस्ट और हीट से वो टेपिंग उतरने लगेगा। यहाँ ट्यूब के अंदर दिया हूं मैं, ये लाइफ टाइम कहीं नहीं जाता। ये पांच काम यहाँ किया हूं, दिस इज वॉक्सवैगन पोलो। भाई साहब गाड़ी का एसी जबरदस्त, गाड़ी का पिकअप जबरदस्त, गाड़ी चला के मजा आ जाता है। और बजट वाला जो बंदा अगर गाड़ी उन्होंने लेनी है तो वॉक्सवैगन पोलो लो और उसमें सीएनजी किट लगाओ, मजेदार। देखो इसके अंदर जो सिलेंडर हमने लगाया 14 किलो का सिलेंडर लगाया, 12 किलो का सिलेंडर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आ नहीं सकता, 12 किलो का सिलेंडर होता लंबी। अब टाटा की गाड़ी है या वॉक्सवैगन की गाड़ी है या कई गाड़ियां ऐसी हैं स्कोडा की, जैसे फेविया वगैरह हो गया, टाटा का टियागो हो गया, उनमें 12 लग नहीं सकता क्योंकि इनकी जो डिक्की का जो ब्रेथ है विथ है वो कम होता है। तो इस पे हमने प्लेस किया 14 kg सिलेंडर, ब्रांड न्यू सिलेंडर है। और इस पे जो स्टैंड हमने दिया वही अपना पाइप का स्टैंड और नट बोल्ट TVS कंपनी का नाइलोलॉक नट बोल्ट। और डक्टिंग एज यूजुअल डक्टिंग जरूरी है ताकि कभी भी सिलेंडर ओवरफिलिंग हो तो यहाँ से गैस निकलता 2-4 मिनट के लिए, वो कभी निकलेगा तो डक्ट से गाड़ी के बाहर। सुपर फिटिंग इन वॉक्सवैगन पोलो, सुपर। तो भाई आज ये फिटिंग करके इसके अंदर जो हमारा वर्कमैनशिप है जो क्वालिटी है देख के मजा आ गया। और बिलीव मी ये गाड़ी आज आप 10 साल भी चलाओ मजा आएगा। पिकअप बिल्कुल पेट्रोल, एवरेज लोकल में मान के चलो 18, हाईवे में 25, 1 किलो। चलो इट्स दैट्स ऑल, थैंक यू।